नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द एवरेज गेमर 98 चैनल। और ये मेरा एक्चुअली पहले वीडियो है जो मैं हिंदी में बना रहा हूँ। वैसे हिंदी तो मुझको ठीक से आता नहीं है, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं देखा हूँ यूट्यूब एनालिटिक्स मुझे सजेस्ट कर रहा है कि बहुत ज़्यादा ऑडियंस मेरा चैनल पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के आसपास से है। तो ऑब्वियसली मुझे लगा कि हाँ, थोड़ा हिंदी में कोशिश करना चाहिए, क्योंकि इतना सारे ऑडियंस जो है वो इंडिया और पाकिस्तान और श्रीलंका, ये सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजन से देख रहे हैं। तो मुझे लगा कि हाँ, थोड़ा कोशिश करके देखा जाए कैसे होता है, क्योंकि जैसे ही मैं पहले ही बोल दिया, मुझे हिंदी उतना अच्छे ठीक से आता नहीं है। तो ऑल राइट, आज देखते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे। तो इस वीडियो पहला वीडियो है जो हिंदी में है, और इसमें हम लोग रोस्टर रिव्यू करेंगे, और ये मेरा रोस्टर का रिव्यू होगा। तो मैं कुछ दिन पहले ही 22 मिलियन थ्रेट, जो कि 2 करोड़ के आसपास जो थ्रेट है, तो वो क्रॉस कर चुका हूँ। तो इसके वजह से मुझे लगा कि मैं थोड़ा बहुत मेरा जो कैरेक्टर्स है उसका रिव्यू दूँ। मैं कौन सा डैमेज डीलर्स यूज़ करता हूँ, कौन सा कॉम्बो बिल्डर्स यूज़ करता हूँ, तो कौन सा कैरेक्टर्स मैं अभी यूज़ करता हूँ, वो थोड़ा शेयर करूँ आप लोगों के साथ। तो चलिए चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला कैरेक्टर, और जो है मल्टीवर्स द फ्लैश। तो मल्टीवर्स द फ्लैश का डिफेंस ऑफेंस क्या है, क्या है, ये सब हम लोग देखेंगे इस वीडियो पे। तो पहला चीज़ जो हम लोग देखेंगे ये है कि इसका स्टैट्स। तो स्टैट्स पे मैं जो किया हूँ, तो मैं कम्प्लीटली फास्ट अटैक बिल्ड, कॉम्बो बिल्डर बिल्ड किया हूँ। ये कोई अटैक करने वाला कैरेक्टर नहीं है, तो ये पूरा सपोर्ट और कॉम्बो बिल्डर जैसे मैं बनाया हूँ। तो इसको आप देख सकते हैं कि डिफेंस फुल है, फास्ट अटैक चांस भी उतना हाई करके मैं रखा हूँ। तो इसके वजह से इसका थ्रेट भी हाई है, क्योंकि मैं वॉर सूट जो आर्टिफैक्ट है इधर इक्विप किया हूँ। तो आपके पास अगर वॉर सूट हो, तो आप अगर उसी कैरेक्टर पर इक्विप करेंगे कि जहाँ पे डिफेंस हाई है, तो वॉर सूट क्या करता है, हेल्थ ज़्यादा देता है। तो हेल्थ अगर ज़्यादा आपको मिल जाएगा और आपका डिफेंस भी हाई है, तो क्या होगा कि आपको जो थ्रेट है आपके कैरेक्टर का वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर पे। अभी देखते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर कौन सा है जो थ्रेट वाइज हाईएस्ट है। तो नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो है बैटमैन निंजा गोइला ग्रॉड। तो बैटमैन निंजा गोइला ग्रॉड बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है। तो ये कैरेक्टर क्या करता है, ये भी कॉम्बो बिल्डर जैसे काम करता है। ये काफ़ी कभी 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 ये ऑफेंसिव टाइप काम भी कर सकता है। तो मैं इसको हाइब्रिड बिल्ड किया हूँ, ज़्यादा डिफेंस नहीं दिया हूँ, कोई एक्चुअली डिफेंस रोल नहीं है। जितना डिफेंस आपको दिख रहा है वो पूरा उसके गियर के वजह से है, बैटमैन निंजा गोइला ग्रॉड के गियर के वजह से ही है। और लीथल अटैक चांस इधर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैटमैन निंजा गोइला ग्रॉड का जो पैसिव है उसके वजह से वो हर लीथल हिट पे पावर गेन करता है, और वो ज़रूरी होता है। तो इसके वजह से फास्ट अटैक चांस भी हाई रहना ज़रूरी है इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर पे जिसका थ्रेट हाईएस्ट है सबसे, ये है आर्कम नाइट बैटमैन। तो आर्कम नाइट बैटमैन इज इधर भी एक कॉम्बो बिल्डर है और टैंक भी बोल सकते हैं। डिफेंस का ज़रूरत नहीं है, मुझे एक एपिक रोल मिल गया था, तो इसलिए मैं डिफेंस के लाइक 36% होके बैठा है। अभी डिफेंस का भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आर्कम नाइट बैटमैन का जो पैसिव है उधर से पूरा डिफेंस मिल जाता है। तो चलिए देखते हैं इसका बेसिक स्टैट्स जो क्या है आर्कम नाइट बैटमैन का। तो सिर्फ स्पेशल एबिलिटी 2 को मैक्स करना चाहिए, क्योंकि यही यूज़ होता है रेड्स में, सोलो रेड्स में, जहीं पे भी आप स्टन कर सकता है, और हार्टब्रेकर हार्लिक्विन टीम के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है। दूसरा टीम के लिए भी आप सपोर्ट के हिसाब से यूज़ कर सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला कैरेक्टर क्या है। ये डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट, ये सबसे अच्छा कैरेक्टर्स में से एक कैरेक्टर है, किंग ऑफ एटलांटिस एक्वामैन। तो मैं मुझे उधर ऊपर रख देता हूँ। तो किंग ऑफ एटलांटिस एक्वामैन का बिल्ड भी मैं दिखाऊंगा कैसे मैं बिल्ड किया हूँ। तो 6000 के आसपास अटैक है, और क्रिटिकल अटैक चांस और क्रिटिकल अटैक डैमेज ऑलमोस्ट मैक्स कर चुका हूँ मैं। फास्ट अटैक चांस भी 69% है, उसको थोड़ा बढ़ा के 75 भी करने की ज़रूरत उतना नहीं है, मैं बोलूँगा करने चाहिए तो कर सकते हैं आप लोग अगर करना चाहते हैं तो। किंग ऑफ एटलांटिस एक्वामैन वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स, और इसको अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर कौन सा है। नेक्स्ट कैरेक्टर है ब्लैक एडम थ्रेट वाइज, क्योंकि मैं डिफेंसिव बिल्ड किया हूँ थोड़ा बहुत, और जो आर्टिफैक्ट है ब्लैक एडम के पास, तो उस आर्टिफैक्ट की वजह से मुझे एपिक एक्चुअली स्टन रेजिस्टेंस स्टन अटैक
डैमेज ओवर टाइम रेजिस्टेंस मिला है, और उसके वजह से इसका थ्रेट इतना बढ़ गया है कि आप लोग देख सकते हैं, अगर मैं गियर पे जाऊं और फिर आर्टिफैक्ट को दिखाऊं, ये एमुलेट ऑफ एजिलिटी है, लेकिन मुझे एक एपिक रेजिस्टेंस मिल गया है और इसके वजह से इसका थ्रेट इतना हाई है। तो मैं अगर इक्विप कर अनइक्विप कर दूंगा ये आर्टिफैक्ट को, अब देखेंगे कि 100K से भी ज़्यादा गिर जाएगा, 1 लाख से भी ज़्यादा गिर जाएगा थ्रेट। तो आप लोग देख सकते हैं कि 1 लाख से ज़्यादा थ्रेट गिर गया, तो पूरा रेजिस्टेंस की वजह से थ्रेट इतना बढ़ चुका है। तो अभी इक्विप कर लेते हैं, तो मैं जितना जितना आर्टिफैक्ट्स है और वो आर्टिफैक्ट्स कहाँ पे यूज़ करता हूँ वो दिखाऊंगा थोड़ा देर बाद। अभी कैरेक्टर्स को थोड़ा देख लेते हैं। अभी नेक्स्ट कैरेक्टर जो है ये है लास्ट ऑफ द जोकर। तो लास्ट ऑफ द जोकर बहुत सही कैरेक्टर है, बहुत डैमेज डीलिंग वाला कैरेक्टर है, और ये तो एकदम मस्ट हैव वाला कैरेक्टर है। तो आप देख सकते हैं क्रिटिकल अटैक डैमेज चांस ये सब मैं मैक्स कर चुका हूँ, फर्स्ट अटैक चांस भी ऑलमोस्ट मैक्सड आउट है। और एक चीज़ मेरा लास्ट ऑफ द जोकर पे नहीं है कि एक भी आर्मर पियर्सिंग टैलेंट नहीं है। तो क्या होता है कि अगर आपका लास्ट ऑफ द जोकर एंटैंगलिंग पॉइजन आईवी हार्ट ब्रेकर हार्ली क्वीन इन लोगों में आर्मर पियर्स रहता है, तो जितना बेसिक डैमेज कर सकता है ये एक हिट से बेसिक अटैक से वो बढ़ता है आर्मर पियर्स के वजह से। एंड जब वो बढ़ेगा तो एंटैंगलिंग पॉइजन आईवी जो कैरेक्टर है उससे एक्चुअली मिलता है डॉट। तो जो डॉट मिलता है वो इंक्रीज हो जाता है अगर आपका बेसिक डैमेज भी इंक्रीज हो जाता है। तो ये एक मेरा मैं बोलूँगा गलती है या क्या, आई डोंट नो, हिंदी उतना अच्छा नहीं है। तो आर्मर पीएस चाहिए होता है लास्ट ऑफ द जोकर पे, बट मेरे पास नहीं है। नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं हार्ट ब्रेकर हार्ली क्वीन। ये सबसे स्ट्रांगेस्ट कैरेक्टर में से एक है गेम पे। मेरा सब कुछ मैक्सड है, एक्सेप्ट स्पेशल एबिलिटी वन वो चाहिए नहीं, और फास्ट अटैक चांस भी इधर मैक्सड है, क्रिटिकल अटैक चांस डैमेज सब मैक्सड है, आर्मर पियर्स भी है। तो मुझे तो लगता है ये ठीक ठाक से एकदम परफेक्ट बिल्ड, आप लोग कह सकते हैं कि ये परफेक्ट बिल्ड है। तो दो क्रिटिकल अटैक चांस है, बाकी चारों के चारों आर्मर पियर्स है, तो 96% आर्मर पियर्स चांस बहुत सही है। तो हार्ट ब्रेकर हार्ली क्वीन सबसे डैमेज डीलिंग वाला कैरेक्टर में से एक है, और ये इसका बिल्ड जो मैंने किया हूँ। तो नेक्स्ट देखते हैं कौन सा कैरेक्टर है। ये है बैटमैन निंजा कैट वूमेन। ये भी एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है, एंड अब जैसे आप लोग देख सकते हैं इधर भी मैंने फास्ट अटैक चांस मैक्स आउट किया हूँ, और क्रिटिकल अटैक चांस, क्रिटिकल अटैक डैमेज ऑलमोस्ट मैक्स आउट है, और लीथल अटैक चांस एक्चुअली बैटमैन निंजा कैट वूमेन को चाहिए नहीं क्योंकि इसका जो स्पेशल एबिलिटी 3 है उससे लीथल अटैक चांस मिल जाता है। मुझे एपिक मिल गया था टैलेंट्स पे, तो इसके वजह से मेरा जो लीथल अटैक चांस आप लोग ने देखा कि 25% है, इसके वजह से है क्योंकि दो दो एपिक मिल गया तो मैंने उसको रीरोल नहीं किया लीथल अटैक चांस को। तो 50% मिल जाता है अगर आप चाहे तो एक रख सकता है, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए होगा। तो चलिए चलते हैं वापस और फिर देखते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर को। नेक्स्ट कैरेक्टर है जस्टिस लीग द फ्लैश। इसको भी मैंने थोड़ा हाइब्रिड बिल्ड किया हूँ, तो इसका स्टैट्स देखते हैं। तो फास्ट अटैक चांस, क्रिटिकल अटैक डैमेज, क्रिटिकल अटैक चांस ये सब मैक्स करने की दो दो चीज़ तो मैक्स है, दिख ही रहा है। डिफेंस चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक डिफेंस रोल एपिक मिल गया था तो इसलिए रख दिया हूँ। और एक कारण है कि कभी कभी जब सोलो करना पड़ता है किसी बॉसेस के अगेंस्ट, तो तब थोड़ा डिफेंस रहना ज़रूरी होता है क्योंकि तब सुपर मूव एटलीस्ट सर्वाइव कर जाएंगे जस्टिस लीग द फ्लैश, क्योंकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्बो इंटरप्शन करेंगे, और कॉम्बो इंटरप्शन करने के वजह से आपको ज़्यादा डैमेज नहीं मिलेगा आपके कैरेक्टर के ऊपर, बट थोड़ा बहुत डिफेंस चाहिए क्योंकि सुपर मूव को आप कॉम्बो इंटरप्शन से ब्लॉक नहीं कर सकता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर को देखते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है मल्टीवर्स आर्मर सुपर गर्ल, और मल्टीवर्स आर्मर सुपर गर्ल आप लोग देख सकते हैं अटैक 8000 के ऊपर है। तो यह कैरेक्टर एक्चुअली 8000 से ऊपर जा रहा है बिकॉज ऑफ द आर्टिफैक्ट। तो आर्टिफैक्ट में मुझे शायद 570 अटैक एक्स्ट्रा मिला है, और इसके वजह से आप 8000 के ऊपर अटैक दिख रहा है। तो मल्टीवर्स आर्मर सुपर गर्ल एक बहुत ही सही कैरेक्टर है एरिना के लिए, चैंपियंस एरिना के लिए बहुत सही कैरेक्टर है। सोलो रेड्स और रेड्स के लिए उतना खास नहीं मैं बोलूँगा, बट अगर आपके पास कुछ दूसरा और कैरेक्टर्स नहीं है तो आप डेफिनेटली मल्टीवर्स आर्मर सुपर गर्ल यूज़ कर सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर सिल्वर बैंशी। तो सिल्वर बैंशी बहुत ही सही कैरेक्टर है और इससे बहुत कुछ कर सकता है सोलो रेड में भी, रेड में वन शॉट कर सकता है अगर आप रेवन के साथ पेयर कर चुके हो तो।
तो मेरा बिल्ड उतना खास नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कुछ आर्मर पियर्स चांस है, तो ये चाहिए नहीं इस कैरेक्टर के ऊपर। तो और एक चीज़ है कि इस कैरेक्टर को गियर्स पे सेकंड जो गियर है उस पे डिफेंस मिलता है, हेल्थ नहीं। तो आप क्या कर सकता है इस कैरेक्टर में, कुछ डिफेंस में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। स्टिल आपका जो कैरेक्टर है उसका डिफेंस मैक्सिमम 75% जो है वो हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा बैक करते हैं और देखते हैं और कौन सा कैरेक्टर्स है। वीडियो को ज़्यादा लंबा बनाने की लाइक इच्छा है नहीं मुझ पर। तो नेक्स्ट कैरेक्टर्स जो था वो था रेवन, और रेवन इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स इफ़ नॉट द बेस्ट। तो मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट कैरेक्टर ही है, क्योंकि ये डैमेज ज़्यादा करता है, सपोर्ट कैरेक्टर के भी रोल में भी काम कर सकता है, डैमेज डीलर के रोल में भी काम कर सकता है, तो बहुत ही सही कैरेक्टर है। तो क्रिटिकल अटैक चांस, क्रिटिकल अटैक डैमेज, फास्ट अटैक चांस में हाइब्रिड बिल्ड करके बना के रखा हूँ, डिफेंस थोड़ा ज़्यादा रखा हूँ, क्योंकि अगर मैं लीग रेड में खेल रहा हूँ तो वर्सूट इक्विप कर लेता हूँ, और वर्सूट से एक एक स्पेशल एबिलिटी के बाद मुझे डिफेंस मिल जाता है, तो ये मैक्सिमम डिफेंस भी हो जाता है। तो इसके वजह से थोड़ा बहुत हाइब्रिड बिल्ड करके रखा हूँ। बहुत लोग बिल्ड करता है कम्प्लीटली एक डिफेंसिव कैरेक्टर जैसे, तो वो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, कि मैं बोलूँगा कि आप थोड़ा बहुत इसको हाइब्रिड बिल्ड ही करें। और नहीं तो आप, अगर आपको मन है कि रेवन को पूरा डैमेज डीलर बनाएंगे तो पूरा डैमेज डीलर बनाएं, डिफेंस का कुछ ज़रूरत नहीं है। यही मैं बोलूँगा रेवन के बारे में। तो चलिए अभी थोड़ा बहुत और दूसरा दूसरा कैरेक्टर्स देख लेते हैं, कौन सा कैरेक्टर्स मेरा मैक्सड आउट है लाइक आर्टवर्क के तरफ से। ब्रेनियक, एंटैंगलिंग, पॉइजन आईवी, सबका लाइक आर्टवर्क मैक्सड आउट है। प्रेडेटर, बैटमैन, मिथिक वंडर वुमन सब लेवल 70 गियर्स पे है। जस्टिस लीग साइबर्ग, जस्टिस लीग एक्वामैन, एक्वामैन मेरा 70 गियर्स पे नहीं है, लेकिन बाकी सब 60s पे है। तो इधर जितना कैरेक्टर सब दिख रहा है, पावर गर्ल, बैटमैन, निंजा रॉबिन, ब्लू बीटल, फिर मल्टीवर्स बैट वोमेन, फ्लैश, एट्रोसिटस, लाइक काफ़ी सारा कैरेक्टर्स लेवल 60 पे है। तो अभी देख सकता है, क्योंकि मेरा 22 मिलियन 2 करोड़ के ऊपर थ्रेट है, तो लाइक बहुत सारा कैरेक्टर्स का आर्ट वर्क एटलीस्ट मैक्स आउट हो चुका है। लेवल्स पे शायद नहीं, बट आर्ट वर्क तो डेफिनेटली मैक्स आउट हो चुका है। ब्लैक मैंटा बहुत सही कैरेक्टर है, 3 स्टार्स है, लेकिन फिर भी अच्छा खासा डैमेज मिल जाता है सोलो रेड पे, क्योंकि एओसी सोलो रेड जो है, आरओके जो सोलो रेड है, तो उस पे आर्टिफैक्ट्स के वजह से बहुत अटैक बूस्ट मिल जाता है। तो मैं पूरा ब्लैक मैंटा को थोड़ा दिखाई देता हूँ, ब्लैक मैंटा को ऑप्टिमाइज करके रखा हूँ कि वो फास्ट अटैक चांस मैक्स आउट होके रहे, क्रिटिकल अटैक चांस ऑलमोस्ट मैक्स आउट होके रहे, डैमेज भी मैक्स आउट होके रहे, ताकि जो अटैक बूस्ट मिल रहा है उससे मैं काम चला सकूँ इन सोलो रेड्स। तो चलिए वापस चलते हैं और देखते हैं दूसरा दूसरा कैरेक्टर्स क्या क्या है। मैं तो बहुत ही स्वेट कर रहा हूँ, बट क्या करे। तो चीता भी मेरा मैक्स आउट है, गियर 70s पे, ग्रीन लैंटर्न 60s पे है। इधर बहुत सारा आर्टवर्क्स आपको मैक्स दिखेगा, क्योंकि ये सब एटलीस्ट 60 गियर्स पे तो है ही। तो कौन सा कैरेक्टर मुझे 60 गियर्स पे नहीं है, ये कैरेक्टर है जो मुझे 60 गियर्स पे नहीं मिला है, दैट इज़ अटलांटिन आर्मर एक्वामैन, वो 60s पे नहीं है। आर्मर्ड सुपरमैन भी 60s पे नहीं है, एक गियर सिर्फ 5 पे गिर गया है। तो वो अगर ड्रॉप मिल जाए रेड से कभी भी, देन मैं थोड़ा उसको भी मैक्स करके आर्टवर्क के लिए एटलीस्ट मैक्स आउट कर सकूंगा। तो यही है। फिर डार्क साइड मैक्स आउट के आसपास भी नहीं है। मेरा जो नेक्स्ट कैरेक्टर प्लान पे हूँ वो है जस्टिस लीग सुपरमैन को, वो भी 4 स्टार्स है और गियर मैक्स आउट नहीं है। सुसाइड स्क्वाड डेड शॉट का एक गियर मैक्स आउट नहीं है, तो इसके वजह से इसका मैक्स आउट आर्टवर्क नहीं मिल रहा है। बाकी मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स मैक्स आउट आर्टवर्क पे आपको दिख जाएगा। और ये फाइनली जाके सिल्वर कैरेक्टर्स है, मोस्ट ऑफ द लेजेंडरीज मेरे पास भी है, सिर्फ 2 लेजेंडरीज नहीं है। मार्शियन मैन हंटर मिल जाए तो फिर से मैं कोशिश कर सकूंगा कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसको बीट करने के लिए, ऑफ कॉम्बोस जो अभी 1336 पे है। तो चलिए अभी दिखा देते हैं लास्ट में, इस वीडियो को एंड करने से पहले थोड़ा दिखा देते हैं आपको आर्टिफैक्ट्स को। तो चलिए लेट्स शो द आर्टिफैक्ट्स। तो क्या क्या कौन सा आर्टिफैक्ट्स है, मैं कुछ कुछ आर्टिफैक्ट्स इक्विप नहीं करके रखा हूँ। मेरे पास 2 ऑल ब्लेड्स है, एक पे एपिक्स है, लाइक आई थिंक एक पे एपिक्स है, हाँ एपिक स्पेशल डैमेज 2 है, बाकी दो दो लाइक रेयर अटैक्स है। तो काफ़ी बिल्ड आउट है। आर्टिफैक्ट रिफोर्जेस मिलना तो बहुत ही मुश्किल है इस गेम पे, तो इसके वजह से मुझे नहीं मिला है। एंड अभी देखते हैं दूसरा ऑल ब्लेड्स का स्टेटस क्या है, एक रेयर है, बाकी 2 कॉमन स्टैट्स है। दो दो लेवल 10 पे ऑल ब्लेड्स रखा हूँ, ताकि
ताकि इवन P1 के लिए अगर मैं एंटैंगलिंग पॉइजन आईवी लास्ट ऑफ द जोकर यूज़ करूँ तो उसके लिए एडवांटेज हो। तो एंथ मेटल भी लेवल 10 पे है, एक लाइक क्रिप्टोनियन रीजन लेवल 10 पे है, क्लॉ ऑफ हॉरस लेवल 10 पे है, तो बहुत सारा आर्टिफैक्ट्स आपको दिख रहा होगा कि लेवल 10 पे है। तो चलिए अब चलते हैं, जो लिटरली पे टू विन आर्टिफैक्ट्स है वो है क्रिप्टोनाइट रिंग, तो वो लेवल 9 पे है, क्रिप्टोनियन ग्लव्स 8 पे है, फादर बॉक्स मैं अपग्रेड नहीं किया हूँ और मैं अपग्रेड कर सकता था फादर बॉक्स को एक और लेवल, उसके वजह लाइक मैंने क्या किया मेगा रॉड को अपग्रेड कर लिया लेवल 8 पे ताकि मैं P3 में यूज़ कर सकूँ क्योंकि मेरे पास एंट्रोपी है ही नहीं। तो अभी देखते हैं और कौन सा आर्टिफैक्ट्स है। तो सोर्ड ऑफ सेंट, ट्राइगॉन पावर स्टाफ, ये AOC आर्टिफैक्ट्स है, ये काफ़ी मिड लेवल पे है, अभी हाई लेवल पे है नहीं, बट इससे काम तो थोड़ा बहुत मैं चला ले सकता हूँ, यही मैं कह सकता हूँ। तो और बहुत सारा AOC आर्टिफैक्ट्स एंड क्रिप्टोनाइट आर्टिफैक्ट्स है, सब मैंने पैक ओपनिंग करके रखा हूँ बट कुछ खास मिला नहीं, मैं वही कह सकता हूँ। एंड बहुत सारा मैंने शटर भी कर चुका हूँ क्योंकि वो थोड़ा मटेरियल चाहिए था कि ताकि दूसरा जो बेटर बेटर आर्टिफैक्ट्स है मैं वो उसको अपग्रेड कर सकूँ। तो यही बात है, फिर ये कंक्लूड कर देता है मेरा कितना कितना आर्टिफैक्ट्स है। तो फाइनली ये मैं बैक कर लेता हूँ, तो मुझे आशा है कि ये वीडियो, मैं पहला बार, जैसे मैं कहा हूँ एकदम वीडियो का स्टार्टिंग में, मैं पहला बार हिंदी में वीडियो कर रहा हूँ, तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगे। तो अभी तो इंग्लिश में मैं नहीं बोलूँगा दिस इज़ योर बॉय द एवरेज गेमर 98, बट ये मैं ही कह सकता हूँ कि नया कोशिश कर रहा हूँ, तो जो लोग साथ देना चाहते हैं तो साथ दे दीजिए, और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूँगा, शायद वो इंग्लिश में भी होगा या शायद हिंदी में, देखेंगे हम लोग कैसे रहेंगे। तो चलिए चलते हैं, अभी के लिए इस वीडियो का अंत इधर ही होता है। चलिए अच्छे रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और चलिए चलते हैं, धन्यवाद।